नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में, पिथौरागढ़ के सौरवेली पब्लिक स्कूल में बीते वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी व सातु आठों पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ मनाया गया। इस मौके पर नन्हे बच्चों ने राधा कृष्ण का रूप धारण कर कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। विद्यालय में निदेशक व पूर्व प्राचार्य डॉक्टर उमा पाठक ने सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी व सातों आठों पर्व की शुभकामनाएं देते हुए पर्व के महत्व को लेकर जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यार्थियों सहित स्टाफ मौजूद था। पिथौरागढ़ के देवलथल क्षेत्र में अवैध रूप से भांग की खेती की सूचना पर थल पुलिस टीम ने क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान क्षेत्र में 10 नाली भूमि में फैली भांग की खेती को नष्ट किया गया। इस दौरान पुलिस टीम द्वारा स्थानीय लोगों को नशे के दुष्परिणामों के संबंध में जागरूक भी किया गया। पुलिस टीम में अपर उप निरीक्षक विनोद भट्ट, रिक्रूट कांस्टेबल मुकुल जोशी, कांस्टेबल चालक जगदीश मारकुना, होमगार्ड गोविंद कुमार, महिला होमगार्ड पूजा आदि शामिल थे। पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज पीपलकोट में प्रधानाचार्य मोहन चंद्र पाठक ने राज्य स्तरीय बॉक्सिंग फुटबॉल प्रतियोगिता में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले मयंक कन्याल, सागर बल्दिया, युवराज कुमार, प्रियाशु, करण अधिकारी, दीपांशु भट्ट, गौरव बोहरा, सुजल कुमार, तेजस उपरारी, राहुल और योगेश को प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। संचालन व्यायाम अध्यापक मनोज सिंह सोन ने किया। पिथौरागढ़ मुख्य शिक्षा अधिकारी से अभद्रता मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से गुस्सा एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन कर्मियों ने आज कार्यालय में तालाबंदी कर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान कर्मियों ने कहा कि बीते 8 अगस्त को निलंबित चल रही शिक्षक घिसियावन प्रसाद कुछ बाहरी लोगों को लेकर मुख्य शिक्षाधिकारी कार्यालय में पहुंचे और अपना निलंबन वापस लेने को लेकर सीईओ पर दबाव बनाने लगे व उनके साथ अभद्रता की गई। इस मामले में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन अभी तक धमकाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस दौरान आंदोलनरत कर्मियों ने धमकी देने वालों की गिरफ्तारी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। प्रदर्शन करने वालों में एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा, सचिव नवीन पाठक, प्रांतीय उपाध्यक्ष सौरभ चंद सहित दर्जनों कर्मी मौजूद थे। इधर गंगोली हाट में भी मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर कर्मियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय गंगोली हाट में तालाबंदी कर आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर हयात सिंह खाती, हृदेश कोहली, पंकज दशोनी, प्रकाश जोशी सहित अन्य कर्मी शामिल थे। कार्रवाई नहीं होने से जिले के सभी खंड शिक्षाधिकारी कार्यालयों में कर्मियों द्वारा तालाबंदी कर नाराजगी प्रकट की गई। द्वारा हमारे शिक्षा अधिकारी और कार्यालय कर्मियों के साथ अभद्रता की गई थी, जो इतने काफी दिन होने के बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं गई और उसको ना कोई प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की गई, उसके विरोध में आज हमने मजबूर होकर तालाबंदी की गई है। और आने वाले समय अगर तब भी हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम अनशन पे क्रमिक अनशन या आमरण अनशन पे जाने पे बाध्य होने पे हो सकते हैं। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की ब्लैक अध्यक्ष उमा मेहरा की अगुवाई में आशा वर्कर्स का कार्य बहिष्कार आंदोलन आज शनिवार को भी जारी रहा। इस दौरान उन्होंने ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पोषण समितियों तथा प्रोत्साहन राशि का भुगतान सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। गंगोली हाट ब्लॉक की 2019 के बाद ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण की जो समितियां हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई धनराशि हमें प्राप्त नहीं हुई है। अन्य जिलों में जबकि वो धनराशि प्राप्त होके खर्च भी कर दी है। ऐसी स्थिति हमारी मांगों को पूरा किया जाए। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। बीती रात चंपावत जनपद के टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग एक हाइड्रा क्रेन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए चालक ने दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार चंपावत टनकपुर हाईवे में चलती के निकट बीती रात एक हाइड्रा क्रेन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे सूचना पर स्थानीय लोगों मौके पर पहुंचकर अंधेरे में घायल चालक को रेस्क्यू कर 108 वाहन के माध्यम से उप जिला चिकित्सालय टनकपुर भेजा, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद चालक को मृत घोषित कर दिया गया। वाहन चालक विक्रम पासवान पुत्र जितन पासवान बिहार के ग्राम झंडापुर थाना बिलीपुर जिला भागलपुर का रहने वाला था। हादसे की सूचना पर वरिष्ठ उप निरीक्षक सुरेंद्र कुरंगा की अगुवाई में पहुंची टीम ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई जारी थी। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।